साई प्रणाम सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। एडीएम सिटी व एसपी सिटी ने शहर के विभिन्न ऑक्सीजन प्लांट केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, कहा पुलिस प्लांटों की करेगी सुरक्षा। सर्राफा मंडल के अध्यक्ष ने सर्राफा कारोबारियों से कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 26 से 28 तक बंद रखें अपनी दुकानें। एसपी सिटी ने दी जानकारी, कहा दो दिन लगने वाले कोरोना कर्फ्यू में लापरवाह बेपरवाह लोग खिलाफ पुलिस करेगी कठोर कार्रवाई। संभागीय परिवहन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा 1 मई तक नहीं बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस 30 जून तक होंगे मान्य। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक नगर ने ऑनलाइन के माध्यम से सुनी फरियादियों की समस्याएं। सतर्कता के साथ होम्योपैथ की दवाओं से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का इलाज संभव, देखें पूरी खबर। एसपी सिटी ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न स्ट्रांग रूमों का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी साउथ ने ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न ऑक्सीजन प्लांटों का किया औचक निरीक्षण। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 69 स्थानों पर चला वैक्सीनेशन का कार्य। और एसपी साउथ ने दी जानकारी, कहा साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर।